25 दिसंबर को पूरे भारत में क्रिसमस डे बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया गया। इसी तरह का क्रिसमस डे अकोला शहर में भी बहुत धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। ऑल सेंट्स चर्च सीएनआई अकोला की तरफ से वहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से कलाकृतियों के अंदाज में मेरी क्रिसमस लोगों को दिखाया गया। अकोला की पांचों चर्चों में क्रिश्चियन भाई पहुंचकर प्रार्थनाएं सभी ने मिलकर की, जिसमें बस स्टैंड के करीब जो ऑल सेंट चर्च सीएनआई है उसमें वहां पे हज़ारों की संख्या में क्रिश्चियन भाई पहुंचे अपने बच्चों को नए कपड़े और खुशियों के साथ में। वहां पे वो खुशी मनाते हुए नज़र आए। देखिए हमारे रिपोर्टर इशाद अहमद की रिपोर्ट अकोला से। मैंने और 25 दिसंबर जो है ये बड़ा दिन करके मनाया जाता है और इसमें विशेष करके यीशु मसीह का जन्म जो है इसके बारे में हम मनाते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह जो है ये संसार के लिए शांति और आनंद का सुसमाचार देने के लिए आया संसार में, और उनके द्वारा काफ़ी लोगों को नजात मिली। काफ़ी लोग जो है उन्होंने अपना जीवन उनके हाथ में दिया, और इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना सारा ऐशो आराम छोड़कर एक चरनी में उन्होंने जन्म लिया, गौशाले में जन्म लिया। इससे हमको इस बात को देखने को मिलता है कि नम्रता हमको सीखने को मिलती है और एक दूसरे से प्रेम करने का परमेश्वर हमें सिखाते हैं। ये संदेश सारी दुनिया को इसके द्वारा मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाल ही में तिदीपुरा चौक के करीब एक चोपड़े परिवार का मकान धराशायी हो गया था, जिसकी मालूमात वहां के करीबी लोगों को मिलने पर वहां पे कुछ युवक अपनी जान पे खेलते हुए उन लोगों को बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन अफसोस एक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। युवकों ने महिला को उस मलबे से बाहर निकालने के लिए भरी ठंड में रात भर जागकर उस महिला को उस मलबे से बाहर निकाला, जिसमें कुछ युवकों को वहां पर मशक्कत करना पड़ी। ऐसे ही युवकों का हौसला बढ़े और वो इंसानियत के लिए सबसे प्रबल आगे काम करते रहे। इसीलिए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से उनका सत्कार किया गया, जिसमें मुजम्मिल शेख निसार अहमद का सत्कार वहाँ पे किया गया। उस वक्त वहाँ पे मौजूद डॉक्टर रहमान खान, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर वोरा, सेक्रेटरी अंजुल जैन, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र थोरात, ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल वकार, रियाज भाई, अशफाक अहमार, इरफान कुरेशी और सभी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के भाई वहाँ पे मौजूद थे। ये थी हमारे रिपोर्टर इरशाद अहमद की रिपोर्ट अकोला से। रंगेज की आवाज़ न्यूज़, 55 लाख व्यूवर्स, विदर्भ का नंबर 1 न्यूज़ चैनल, 35,000 सब्सक्राइबर। आप भी सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप क्या देखना पसंद करेंगे।